अब बात एक ऐसी तकनीक की जो घर बैठे शिक्षा का खजाना देगी, इंटरनेट की धीमी स्पीड पर भी दिमाग को ज्ञान से भर देगी। आत्मनिर्भर बनते भारत की कहानी सुनिए और शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में शिक्षा का उजाला ला सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल कॉपी पर पेन की लिखावट में चलता ये माउस का कर्सर है, जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतने आसान और तेज स्पीड से ऑनलाइन क्लास जम्मू कश्मीर में दी जा रही है, जहां 2G स्पीड में इंटरनेट चलाना लोगों की मजबूरी है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन क्लास के सपने को वाइज नाम का एक ऐप साकार कर रहा है। ये ऐप ऑनलाइन टीचिंग को सरल बनाने के मकसद से बनाया गया है। पूरी तरह से टीचर फ्रेंडली इस ऐप को IIT मुंबई के छात्र मुबीन मसूदी और उनके साथियों ने तैयार किया है। एक बार मेरे को इन प्रॉब्लम्स का रियलाइजेशन हो गया कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और सब टीचर्स फेस कर रहे हैं, तो मेरे कॉलेज का बैचमेट है बिलाल अबीदी जो बैंगलोर में है, मैंने उनसे बात की और उनके साथ डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर हमने एक टीम बनाई, अहमदाबाद में मौलिक हमारे साथ काम कर रहे हैं और पुणे से विश्वास दामले, और हम चारों ने मिलकर इस एप्लीकेशन को बनाया ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो ऑनलाइन टीचिंग में हो रही है, चाहे वो टीचर्स के साथ हो या स्टूडेंट्स के साथ हो, हम उसको सॉल्व करें। और हमने अराउंड 15 जुलाई को इसको बनाना शुरू किया और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अराउंड 28 जुलाई को हमने इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। वाइज ऐप को खासतौर पर शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। ऐप के जरिए शिक्षक अपनी स्क्रीन को ब्लैक बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। परंपरागत क्लासरूम की तरह इस ऐप में बच्चों के अटेंडेंस, असाइनमेंट और डिस्कशन के लिए भी फीचर मौजूद है। इस ऐप को जुलाई में लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग के बाद से अब तक देश भर में 3000 शिक्षक इसे डाउनलोड कर चुके हैं। श्रीनगर के रहने वाले शाकिर रशीद पेशे से टीचर हैं और इस ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन टीचिंग के लिए कर रहे हैं। सर, जो कश्मीर रीजन है बेसिकली J&K का, तो यहाँ पे सर 2G सर्विस की वजह से हमें क्लासेस बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती थी, या तो हम स्टूडेंट्स को लाइव नहीं पढ़ा पाते थे, सिर्फ PDFs हम उनको सेंड कर सकते थे या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो। बट सर कुछ ऐसा होता है कि लाइव पढ़ाने से स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सर, तो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि जो वाइज एप्लीकेशन आई है सर, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो 2G सर्विस पे बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर लेती है। हम सर काफ़ी अच्छे से अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और अपने ऑडियो से हम बहुत ही बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आती है सर। देश भर के शिक्षकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से मुबीन बेहद खुश है। मुबीन और उनकी टीम की तारीफ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी की है। मुबीन कहते हैं कि इस ऐप को बनाने के पीछे का एक अहम मकसद भारत के गुरुओं को विश्व गुरु बनाना भी है। तो हमने बनाया ही इसी विजन से है ताकि कोई भी टीचर जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो आसानी से इसको यूज करे, उसको टेक्नोलॉजी से डर ना लगे, क्योंकि हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया। और लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इंडिया के जो टीचर है वो सिर्फ इंडिया के बच्चों को नहीं पढ़ाए, पूरे विश्व के बच्चों को इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाए।